कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक बच्चा एक पतंग पर ड्राइंग बना रहा होता है। इस बच्चे का नाम जुकीनी है और जो ड्राइंग जुकीनी पतंग पर बना रहा होता है वो उसके पापा की ड्राइंग होती है। उस ड्राइंग को एक सुपर हीरो की ड्राइंग की तरह बनाता है। असल में जुकीनी के पापा अब नहीं रहे थे और जुकीनी अपने पापा को बहुत मिस करता था और काफ़ी उदास भी रहता था, लेकिन अपने पापा की ड्राइंग वाली पतंग को उड़ाकर जुकीनी खुश हो जाता था। अब जुकीनी उस पतंग के धागे को एक स्टूल से बांध देता है और उस पतंग को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद जुकीनी अपने एटिक को खोलकर नीचे जाता है और वहां से ढेर सारे बियर के कैन जमा करता है। ये सब बियर कैन उसकी मोम के होते हैं, क्योंकि उसकी मोम को बियर पीना बहुत पसंद होता है और वो हमेशा नशे में ही रहती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जुकीनी अपनी मोम से काफी डरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुकीनी उन बियर कैन से अकेले खेल रहा होता है, उन कैंस का एक टावर बना रहा होता है, लेकिन तभी एक तेज हवा आती है और वो टावर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो कैंस गिरते हैं तो जुकीनी के मोम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जुकीनी पर काफी चिल्लाने लगती हैं और उसे कहती हैं कि मैं अभी ऊपर आ रही हूँ। क्योंकि जुकीनी अपनी मोम से बहुत डरता है, इसलिए वो सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है। और जैसे ही उसकी माँ एटिक की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती हैं, वैसे ही जुकीनी उस एटिक का दरवाजा बहुत जोर से बंद कर देता है। फिर जब उसे काफी देर तक अपनी मोम की आवाज नहीं आती तो वो एटिक को खोलकर देखता है, लेकिन उसे नीचे कोई भी दिखाई नहीं देता और उसकी पतंग भी उसके पास वापस आ जाती है। इसके बाद वो सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि जुकीनी एक पुलिस स्टेशन में होता है और एक पुलिस ऑफिसर रेमंड जुकीनी से बात कर रहा होता है। अब हमें ये पता लगता है कि जुकीनी का असली नाम इकार है, लेकिन जुकीनी रेमंड से कहता है कि वो उसे जुकीनी कहकर ही बुलाए, क्योंकि ये नाम उसे उसकी मोम ने दिया था। जुकीनी रेमंड को अपने मोम डैड के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसके डैड को चिकन बहुत पसंद थे, ऐसा उसे उसकी मोम ने बताया था, और उसकी मोम हमेशा बियर पीती रहती थी। अब रेमंड उसे बताता है कि वो उसे एक नई जगह ले जाएगा जहाँ पर उसके जैसे और भी बच्चे होंगे। इसके बाद जुकीनी और रेमंड एक कार में बैठकर ऑर्फनेज में पहुंच जाते हैं। जब वो ऑर्फनेज में पहुंचते हैं तो रेमंड जुकीनी को एक मिस पीटरसन नाम की औरत को सौंप देता है और वहां से चला जाता है। मिस पीटरसन इस ऑर्फनेज की इंचार्ज होती हैं। वो जुकीनी को उसके कमरे में ले जाती हैं और उसे एक ड्रॉर देती हैं जिसमें कि वो अपना सामान रख सके। जुकीनी उस ड्रॉर में अपनी वो पतंग और अपनी मोम का एक बियर कैन रख देता है और कमरे में अकेला बैठ जाता है। जुकीनी अभी भी बहुत उदास होता है और बहुत अकेला भी महसूस कर रहा होता है। इसके बाद मिस पीटरसन उसे एक मिस्टर पॉल की क्लास में ले जाती हैं, जहां पर जुकीनी वहां रहने वाले दूसरे बच्चों से मिलता है। लेकिन वहां पर साइमन नाम का एक बच्चा जुकीनी का बहुत मजाक उड़ाता है। वो उसे आलू जैसे सिर वाला कहता है और फिर उसे चालाकी से एक कुर्सी से नीचे गिरा देता है। लेकिन जुकीनी ना तो कुछ बोलता है और ना ही बिल्कुल भी रिएक्ट करता है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। वहाँ भी साइमन जुकीनी का मजाक उड़ाता है और बाकी बच्चों का भी मजाक उड़ाता है। तभी एलिस अपनी प्लेट पर एक चम्मच को बड़ी अजीब तरीके से बजाने लगती है, इसी वजह से साइमन उसका चम्मच फेंक देता है। लेकिन जुकीनी अभी भी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सब सोने जा रहे होते हैं, लेकिन साइमन जुकीनी को अभी भी परेशान कर रहा है। अब सुबह हो जाती है और जुकीनी सोकर जाग जाता है और जागते ही वो देखता है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन अब उसे पता लगता है कि साइमन ने उसके पापा की ड्राइंग वाली वो पतंग चुरा ली है और वो उसी से ही खेल रहा है। ये देखकर जुकीनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फौरन साइमन से लड़ने लगता है और उसे मारने लगता है। ये सब देखकर मिस पीटरसन उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। इसके बाद मिस पीटरसन जुकीनी से अकेले में बात करती हैं। जुकीनी उनसे कहता है कि वो अपनी मोम के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन मिस पीटरसन उसे बताती हैं कि उसकी मोम तो अब स्वर्ग में जा चुकी हैं। अब जुकीनी फिर से उदास होकर बाहर आ जाता है, लेकिन अब साइमन जुकीनी से प्यार से बात करता है और उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है कि इससे पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी और वो यहाँ कैसे आया। साइमन उसे अपने बारे में भी सब कुछ बता देता है। वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स तो दिन भर ड्रग्स के नशे में ही डूबे रहते थे, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया गया। फिर वो जुकीनी से कहता है कि वो उसे वहाँ रह रहे सारे बच्चों की कहानी बता सकता है, वो सबके बारे में जानता है। यानी कि साइमन जब भी कोई ऑर्फनेज में नया आता है वो सबसे बात करता है और उसे खुश करने की कोशिश भी करता है। यानी कि साइमन दिल का बुरा नहीं है,
वो तो बस जुकिनी से बुलवाना चाहता था और उसे उसकी दासी से बाहर निकालना चाहता था। अब साइमन जुकिनी को दूसरे बच्चों के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि बी की मॉम सारा दिन अपने फ्रिज को खोलती और बंद करती रहती थी, यानी कि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया गया। और जुजुबे की मॉम की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, उसकी मॉम सारा दिन लाइट्स को ऑन ऑफ करती रहती थी, इसलिए उसे भी यहाँ भेज दिया गया। और फिर वो उसे अहमद के बारे में बताता है। वो कहता है कि अहमद के डैड एक बार एक मॉल को लूटने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहाँ गिरफ्तार कर लिया और वो यहाँ आ गया। और अब वो उसे एलिस की कहानी भी बताता है। वो उसे कहता है कि एलिस के डैड उसके साथ बहुत गंदी हरकतें किया करते थे। वो उसके बारे में पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन वो बहुत बुरी चीज़ें किया करते थे उसके साथ, इसलिए उसके डैड को पुलिस पकड़कर ले गई और उसे यहाँ भेज दिया गया। वो उसे बताता है कि एलिस को अपने पास्ट के बारे में अभी भी डरावने सपने आते हैं। अब आखिरकार जुकिनी साइमन से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसे लगता है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने अपनी मॉम को मार दिया है। साइमन जुकिनी से कहता है कि वो सब एक जैसे ही हैं, उन सबसे ही प्यार करने वाला अब कोई भी नहीं है। इसके बाद जुकिनी की वहाँ से सबसे दोस्ती हो जाती है। अब वो वहाँ सबकी डेली रूटीन्स देखता है, जो कि काफ़ी अजीब होती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले अच्छी नहीं रही थी, इसलिए वो आम बच्चों से थोड़ी अलग हरकतें करते हैं। बी सुबह उठते ही अपनी मोम का नाम चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे अपनी मोम की याद आती है। लेकिन उसे थोड़ी देर में ही पता लग जाता है कि उसकी मोम अब नहीं आएंगी। जुजुबे टूथपेस्ट खा जाता है। साइमन कभी नहाता ही नहीं है और उसे नहाने से डर लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुकिनी से मिलने वही पुलिस ऑफिसर रेमंड आता है, जो जुकिनी को वहाँ छोड़ कर गया था। जुकिनी को रेमंड से मिलना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अहमद किसी भी पुलिस ऑफिसर को पसंद नहीं करता, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ने ही उसके पापा को गिरफ्तार किया था, इसलिए वो रेमंड के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसके सिर पर पानी फेंक देता है। अब रेमंड और जुकिनी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक कार आती है। इसमें एक बच्ची होती है जिसका नाम कैमिल होता है, और उसके साथ एक बहुत गुस्से वाली औरत होती है जो कि उसकी आंट है। उसकी आंट कैमिल को अपने साथ रखना चाहती तो है, लेकिन कोर्ट ने उसे अभी ऐसा करने की परमिशन नहीं दी है, इसलिए वो उसे यहाँ इस ऑर्फनेज में लाई है। लेकिन कैमिल अपनी आंट से बहुत डरती है और उनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो उसे मारती है और उसके साथ बेहद बुरा बर्ताव करती है। वहाँ जाते ही कैमिल एक अलमारी में छुप जाती है, क्योंकि वो अपनी आंट से छुपना चाहती थी, लेकिन अभी के लिए उसकी आंट उसे ऑर्फनेज में छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन जुकिनी कैमिल को उस कैबिनेट में भी ढूंढ लेता है और उससे बात करता है, और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब उन सबके खाने का टाइम हो जाता है और वहाँ सब कैमिल से पहली बार मिलते हैं। अब साइमन सबसे पहले कैमिल से बात करता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुँची, लेकिन कैमिल उसकी बातों को मजाक में टाल देती है। वो कहती है कि उसकी मोम उसे एक डायनासोर बनाकर स्कूल भेजती थी, इसलिए वो यहाँ आ गई, और सब उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। लेकिन साइमन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कैमिल असल में बेहद पॉजिटिव लड़की है। वो भले ही खुद परेशान हो या डरी हुई हो, लेकिन वो किसी और को परेशान नहीं करती, बल्कि दूसरे परेशान या डरे हुए बच्चों की मदद भी करती है और उन्हें हंसाने और खुश करने की भी कोशिश करती है। इसलिए जब एलिस फिर से डर जाती है तो कैमिल ही उसे प्यार से शांत कर देती है, और अब एलिस भी खुश रहने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन जुकिनी और साइमन आपस में बात कर रहे होते हैं। जुकिनी साइमन से कहता है कि वो जानना चाहता है कि कैमिल वहाँ क्यों आई है। अब साइमन जुकिनी को चोरी से मिस पीटरसन के ऑफिस में ले जाता है, जिसमें कि कैमिल की फाइल होती है। इससे उन्हें ये पता लग जाता है कि कैमिल वहाँ क्यों आई है। साइमन पहले जुकिनी से मजाक करता है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है जो कि उससे प्यार करता था, क्योंकि जुकिनी भी कैमिल को पसंद करता था। लेकिन बाद में साइमन उसे सच्चाई बता देता है। वो उसे बताता है कि उसके पापा ने उसकी मोम का मर्डर कर दिया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, और उसके बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया था, और ये सब होते हुए कैमिल ने अपनी आंखों से देखा था। अब जुकिनी को उसके बारे में सब पता लग जाता है, लेकिन कैमिल ये बात नहीं जानती। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस रोजी, जो कि उस ऑर्फनेज में उन बच्चों की एक केयर टेकर हैं, और मिस्टर पॉल जो कि उनके टीचर हैं, उनकी वाइफ हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, और मिस्टर पॉल उन बच्चों को एक ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं और दुखी होते हैं कि
क्योंकि वो अपनी वाइफ रोजी से दूर जा रहे होते हैं। सब बच्चे उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद वो सब एक बर्फीली जगह पर छुट्टियां मनाने जाते हैं और वहां पर सब खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद में सब मिलकर वहीं पे कॉटेज में रात को डांस पार्टी करते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तो जुकीनी और कैमिल जाग रहे होते हैं और उस कॉटेज से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जुकीनी कैमिल को जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर एक पेपर बोट देता है और उसे ये भी बता देता है उसे उसके बारे में सब पता है। ये सुनकर कैमिल फिर अपने पास्ट को याद करके रोने लगती है। इस ट्रिप के बाद सब खुशी खुशी वहाँ से वापस उसी ऑर्फनेज में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद फिर से उनके लाइफ में ट्रबल आ जाते हैं क्योंकि अब कैमिल की आंट वहाँ आ जाती है और ज़बरदस्ती कैमिल को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन क्योंकि कैमिल तो उनके साथ नहीं जाना चाहती इसलिए वो फिर से एक अलमारी में छुप जाती है। लेकिन जुकीनी फिर भी उसे ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि अगर उसकी आंट उसे पसंद नहीं करती तो वो उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं। कैमिल उसे बताती है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही हैं, अगर वो उनके साथ चली जाएगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसी बीच वहाँ वो पुलिस ऑफिसर रेमंड आ जाता है जो जुकीनी को अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता है। इसी से जुकीनी को एक आइडिया आता है, वो साइमन के साथ मिलकर कैमिल को चोरी से रेमंड के कार में छुपा देता है जिससे कि उसकी आंट उसे ना ढूंढ पाए। इसके बाद रेमंड जुकीनी और कैमिल वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रेमंड रास्ते में जान जाता है कि कैमिल भी उनके साथ उसी कार में है। वो उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो ऑर्फनेज में इन्फॉर्म कर देता है कि कैमिल उनके साथ है। जैसे ही कैमिल की आंट को ये बात पता लगती है वो फौरन उनके पीछे चली जाती है। लेकिन इसी बीच साइमन को अपनी मॉम से एक पार्सल मिलता है, उसमें एक MP3 प्लेयर होता है जिसमें कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। अब साइमन कैमिल को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो कैमिल की आंट को वो पेपर बोर्ड दे देता है जो उसे जुकीनी ने दी थी, लेकिन वो उसमें एक लेटर और अपना वो MP3 प्लेयर छुपा देता है और कैमिल की आंट से कहता है कि जब उसे कैमिल मिल जाए तो वो ये पेपर बोर्ड उसे दे दे क्योंकि ये उसका लकी चार्म है। उसकी आंट उसे ये देने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि रेमंड जुकीनी और कैमिल एक साथ घूम फिर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। कैमिल एक निशाना लगाने वाली स्टॉल से एक काफ़ी बड़ा टेडी बियर जीत जाती है। स्टॉल के ओनर को ये लगता है कि वो दोनों रेमंड के ही बच्चे हैं, लेकिन रेमंड उसे सच्चाई नहीं बताता। इसके बाद रेमंड उन दोनों को अपने घर ले जाता है और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताता है जो कि उसे छोड़कर दूर जा चुका है। इसके बाद रेमंड उन्हें कमरा भी दे देता है जो कि उसके बेटे का होता है, उसमें हर जगह पेड़ ही पेड़ होते हैं। इसके बाद जुकीनी और कैमिल साथ में खेल रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी कैमिल की आंट वहाँ आ जाती है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाती है। अब जुकीनी फिर बहुत उदास। अब कैमिल जब अपनी आंट के घर चली जाती है तो उसे साइमन का वो लेटर और वो MP3 प्लेयर मिल जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है और कैमिल की आंट कैमिल को लेकर वापस ऑर्फनेज में आ जाती हैं। वहाँ पर एक जज ये फैसला करने वाला होता है कि कैमिल अपनी आंट के साथ रहेगी या नहीं। वहाँ पहुँचते ही कैमिल की आंट कैमिल को डराने लगती हैं कि फैसला कभी भी उसके हक में नहीं होगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूँगी। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कैमिल उसकी ये सारी बातें अपने उस MP3 प्लेयर में रिकॉर्ड कर रही थी। और जब वो लोग जज के सामने जाते हैं तो कैमिल वहाँ पर उसकी आंट की वो सारी रिकॉर्डिंग प्ले कर देती हैं जैसा कि उसे साइमन ने बताया था। और ये सुनते ही उसकी आंट वहाँ से फौरन भाग जाती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अब फैसला उसके हक में तो कभी नहीं होने वाला। आखिरकार कैमिल अपनी उस बुरी आंट से बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेमंड जुकीनी और कैमिल से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि वो उन दोनों को एडोप्ट करना चाहता है। अब सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं और सबने अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स डाली होती हैं। तभी कैमिल साइमन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी ने ही अपनी समझदारी से उसे उसकी बुरी आंट से बचाया है। लेकिन साइमन गुस्से में होता है, सबको बता देता है कि जुकीनी और कैमिल उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ सब दुखी हो जाते हैं। साइमन गुस्से में अकेला बैठा होता है, लेकिन जुकीनी उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो उन्हें दुखी करके यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन साइमन भले ही दुखी होता है लेकिन वो अभी भी उसका भला ही चाहता है। वो उसे कहता है कि वो रेमंड के साथ चला जाए
क्योंकि लोग उनकी उम्र के बच्चों को बहुत ही कम एडॉप्ट करते हैं और ये उसकी ज़िंदगी का एक सुनहरा मौका है और उसे ये छोड़ना नहीं चाहिए। अगले दिन साइमन खुद ही जुकीनी और कैमेल को रेमंड के साथ विदा कर देता है। उनके जाने के बाद साइमन समेत वहाँ पर सभी बच्चे दुखी होते हैं, लेकिन भले ही साइमन खुद दुखी होता है लेकिन वो किसी और को उदास नहीं होने देता और सबको फिर से कुछ मजाकिया बोलकर हंसा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुकीनी और कैमेल अपने नए घर में पहुँच जाते हैं। रेमंड उन दोनों को उनके अलग अलग कमरे भी दे देता है और वो दोनों वहाँ काफ़ी खुश होते हैं। कैमेल खुशी के आंसू रोने लगती है और अब हम देखते हैं कि ऑर्फनेज में मिस रोजी का भी बच्चा पैदा हो जाता है। सारे बच्चे मिलकर अब उसके साथ खेलते हैं और खुश रहते हैं। अब उन्हें खेलने के लिए एक नया दोस्त मिल जाता है, भले ही वो उनके जैसा अनाथ ना हो। और इसी के साथ ही इस फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।